नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS Knowledge हम में। फ्रेंड्स, यदि आपने 12th पास किया है तो आपके पास एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका है। ये स्कॉलरशिप आपके भविष्य में आपको उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। बस आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि 12th लेवल का एग्जामिनेशन होगा। मैं बात कर रहा हूँ अखिल भारतीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, जो अखिल भारतीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा है, ये प्रतिवर्ष ये परीक्षा कराती है और इस परीक्षा के उपरांत ये जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र होते हैं। दोस्तों, कैसे आपको ये अप्लाई करना है, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म इसके स्टार्ट होते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे इसके फॉर्म के, वे 6 सितंबर 2019 को हुए थे और इनकी अंतिम तिथि जो 15 मई 2020 कर दी गई है। अन्यथा इसकी जो जनवरी या दिसंबर तक ही इसकी डेट रहती है, परंतु जो जब हमारी फैली इसके कारण ये 15 मई तक बढ़ा दी गई थी। उसके बाद जो है इसमें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो रखी गई है 24 जून 2020, और इसके ये 9 जून से लेकर 24 जून के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद यदि आपको अपने फॉर्म में कोई एप्लीकेशन में जो आप फॉर्म फिल करोगे इसमें कोई करेक्शन करना है आपको, तो 18 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में कर सकते हैं। और इसकी जो डेट ऑफ स्कॉलरशिप क्लेम 2019 की जो होगी वो 17 दिसंबर से लेकर 19 मई तक। इसके जो एडमिट कार्ड जारी करे जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे 21 मई से लेकर के 15 जून के बीच में इसके एडमिट कार्ड जारी कर जाएंगे। और जो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 12 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में इसके रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। और स्कॉलरशिप जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी वो 26 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक के बीच में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी 2020 के लिए। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। तो जो इसका ऑफिशियल लिंक है, आप इस पर www.aisee.co.in पर जाकर इसके एप्लीकेशन में जाकर ऑनलाइन पर क्लिक करके कर सकते हैं। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के इसे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उसकी मेन वेबसाइट पहुँच सकते हैं। कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप इन पर इसमें ईमेल भी कर सकते हैं और इनका मोबाइल नंबर भी, यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट भी दिया गया है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हाउ टू रजिस्टर, कैसे आपको रजिस्टर करना है, इसके मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब इसके आप ऑनलाइन जो वेबसाइट पहुँचेंगे, इस पर जो लिंक पर क्लिक करके जो उसके होम पेज पर पहुँचेंगे, तो होम पेज पर पहुँचने के बाद आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स का कॉलम मिलेगा। अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर करने के बाद आप 2020 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर करना है कंटिन्यू टू रजिस्टर। इस पर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से होगी। आपको यहाँ पर क्या है, अप्लाइंग फॉर किस, आप किस सब्जेक्ट के हैं, तो PCM के लिए तो आप यहाँ PCM अप्लाई करेंगे, और PCB के लिए है तो आप यहाँ PCB अप्लाई करेंगे। आप किस स्ट्रीम के छात्र हैं उसी के लिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर फिल करना है, फर्स्ट नेम, और अगर जैसा आपका नाम फर्स्ट है नेम में तो फर्स्ट नेम, और मिडिल नेम में मिडिल नेम, और लास्ट नेम में लास्ट नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, OTP डालना होगा। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपके पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो एग्जामिनेशन प्रिफ्रेंस भरनी है इसमें, तो पहले आप अपने इसमें कंप्लीट एड्रेस देंगे, और एड्रेस के साथ साथ अपनी एग्जामिनेशन सिटीज के प्रेफरेंस डालेंगे कि आपको एग्जामिनेशन कहाँ देना है। और आपको एक इसमें एक ID सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उस ID कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन के मीडियम हिंदी या इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ फिल करना होगा। 4 सेंटर आप अपनी चॉइस के अनुसार जो भी आपके पास के उन सेंटर को आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। जो भी जिस कैटेगरी से आप कर रहे हो तो उसके लिए एक फीस लगेगी। इसमें आपको फीस सबमिट करने के बाद आपके पास एक इस एकेडमिक डिटेल आएगा, यानी कि आपको अपनी एकेडमिक डिटेल भरनी है कि आपने जो हाई स्कूल किया है कहाँ से किया है, उसमें आपको परसेंटेज में है या आपका CGPA था, तो
तो जो भी था उसमें आपको यहाँ पर ही फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरीके से इंटर का भी फिल करना पड़ेगा आपको, और इंटर में आप अपने कॉलेज का नाम, आपके कुछ बोर्ड से किया है और परसेंटेज वगैरह, फिर उसका आपके माता का नाम आएगा, फिर यहाँ फादर नेम, फिर आप यदि किसी गार्जियंस के द्वारा अपने रहते हैं तो उन गार्जियंस का नाम भी आप लिख सकते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आप मम्मी आपके माता पिता ही आपके गार्जियंस हैं तो आप उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल लेंगे, और फैमिली की जो एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देंगे। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपके पास आता है फोटो सिग्नेचर का, तो आप फोटो सिग्नेचर अपने मोबाइल के द्वारा भी फोटो लेकर के अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म दिखाई देगा जो कि आपको बताता है कि आपका फॉर्म इस तरीके से भरा हुआ है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल होंगी। आपको यहां से डाउनलोड टू कंफर्मेशन पेज या आपके पास ये पेज कंफर्मेशन के लिए डाउनलोड कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप अपने पास इसके लिए भविष्य के लिए से सुरक्षित रख लेंगे। और फिर आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड होगा, इससे आप क्लिक टू लॉगिन कर सकते हैं, और भविष्य में जब भी इसके एडमिट कार्ड की सूचना होगी तो आप यहां से ही इसी लॉगिन से आपको एडमिट कार्ड भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो सर इसका बहुत सरल सा पैटर्न जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसको घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया में बताया था, देखिए इस जिस भी विद्यार्थी ने 12th पास किया हो, यानी कि 2014 के बाद जिसने भी 12th पास किया है, और 2020 में भी जिसने 12th के एग्जामिनेशन दिए हैं या वो अपेयरिंग है, उसका रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वे बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस अर्थ है कि इसमें उनके पास पीसीबी या पीसीएम एक स्ट्रीम होनी चाहिए। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन फीस के लिए आपको इसमें 1200 रुपये देने पड़ेंगे फॉर सभी कैटेगरी के लिए, इसमें किसी तरीके की कोई छूट नहीं है। ओबीसी एससी एसटी जनरल के लिए सभी के लिए 1200 रुपये अप्लाई आपको करने पड़ेंगे यहाँ पर। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुकी थी, अब ये कोरोना वायरस की वजह से इसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो अभी फिलहाल इसकी जो है 15 मई है, तो 15 मई तक आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जामिनेशन सेंटर ये हैं आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, जो भी आपके पास के सेंटर हैं इनमें से आप 4 सेंटर आपको फिल करने होते हैं। इसका जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर टेस्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन टेस्ट में, इसमें जो ड्यूरेशन होगी वो इसकी 90 मिनट का एग्जाम है, लगभग 1.5 घंटा, और इसमें जो है एक फिजिक्स का पोर्शन आएगा 30 नंबर का, एक केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा 30 नंबर का, और एक मैथ या बायोलॉजी, जो जिनके पास मैथ था उनके पास 30 क्वेश्चन मैथ के, और जिनके पास बायोलॉजी थी उसके पास बायोलॉजी के, और टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको एक जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और जो गलत होगा उसके लिए आपको एक माइनस का निगेटिव, अर्थात निगेटिव मार्किंग है इसमें, 25% की निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। और इसके बाद मैं इसका सिलेबस बताता हूँ। तो सिलेबस देखिए, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें ये सिलेबस इसमें दिया गया है। वैसे तो मैं इसका जो PDF है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना, और आप यह हमारी वेबसाइट www.msknowledgehub.com पर भी जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल वर्ड मेजरमेंट होगा, नाइनमेटिक्स होगा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, ये बहुत मतलब 12th लेवल की जो चैप्टर है उन्हीं में से लिया गया है सिलेबस। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका जो पूरा सिलेबस आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का दिया है इसमें, और केमिस्ट्री के साथ साथ इसमें इसी तरीके से आपको बायोलॉजी का और मैथ का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने इसकी अच्छी तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर का नहीं दिया हुआ, केवल 12th लेवल का ही एग्जाम होगा। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए पास बहुत अच्छा चांस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको इसके बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी या आप खुद विद्यार्थी हैं या आपका आसपास में जो भी विद्यार्थी जिसने 12th किया हो पीसीएम पीसीबी से, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि वे इसके लिए अप्लाई करें, और अभी उनके पास अच्छा समय है तैयारी करने के लिए और वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल MS नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर समय समय पर नौकरी के अपडेट्स और जितनी भी जो स्कॉलरशिप न्यूज़ होती हैं वे और जितनी भी जो एजुकेशन वीडियो होती है मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे चैनल को MS नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अब आप हमारी वेबसाइट www.msknowledgehub.com पर जाकर भी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री ले सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। मैंने वहाँ पर सभी प्रकार की PDF अपलोड की हुई है, और वहाँ से आप ये सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वहीं उसी पर से भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए भी।